तो टमाटर में पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर आपने एनपीके, यूरिया, डीएपी डाली तो आपका प्लांट गया। जैसे बीज से उगाते हैं ना, तो बेस्ट तो यही है कि पहले सीडलिंग ट्री में उगाया जाए, उसके बाद थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाए। मेरे पास लीफ कॉम्पोस्ट था जो मैंने घर पे बनाया था, और ऐसा भी नहीं है कि तरोई की तरह या करेले की तरह ऊपर ऊपर फैलेंगी। तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती, कोई कहता टमाटर को पानी कम दे, कोई कहता टमाटर को पानी अच्छे से दे। अब आप सोचोगे कि मैं कलियां क्यों हटा रही हूँ। जब आपको टमाटर दिखने लगे तो आपको एक और कटिंग करनी है, वो है आपको शक्कर को रिमूव करना। तो ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है, मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर में छोटी सी स्पेस में टमाटर उगाना चाहते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली, केमिकल का इस्तेमाल किए बिना। वो चाहते हैं कि उनके टमाटर खूब सारे हों, खूब बड़े बड़े हों, रसीले हों, बढ़िया हों। ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या फील किया, कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रही थी। पहली चीज़, जो टमाटर के बीज हैं वो मैंने जो घर पे टमाटर होता है उसको लेके उगाई, या फिर मैं नर्सरी से बहुत ही सस्ते से पुराने से बीज ले आई, काम चलाऊ मैंने काम किया। होता क्या है कि अगर आप घर में जो टमाटर से लगाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जर्मिनेट हो जाएं, और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि टमाटर बहुत बड़े बड़े हों, प्लांट बहुत हेल्दी हों। दूसरी गलती ये थी, जो कंटेनर है वो मेरा सही नहीं था। मैं मिट्टी के 8 या 10 इंच के गमले में उगा रही थी और मुझे लग रहा था टमाटर को कौन सी इतनी जगह चाहिए। बहुत बड़ी गलती थी। तीसरी गलती, जैसे मैं और प्लांट्स को फर्टिलाइजर दे रही थी, जैसे मैं तुलसी को दे रही थी, जैसे मैं करी पत्ता को दे रही थी, वैसे ही मैं टमाटर को दे रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। या तो आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल दें, आप एनपीके डाल दें, सीधे पोटेशियम डाल दें, ये सब डाल दें, या अगर आप ऑर्गेनिकली गार्डनिंग कर रहे हो, ऑर्गेनिकली वेजिटेबल लेना चाहते हो, तो आप फर्टिलाइजर्स हैं उनकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। एक चीज़ और है, मुझे उतना आइडिया ही नहीं था कि ये जो प्लांट में कीड़े लगे हैं, जैसे माइल्ड ट्यू वाइट वाइट पाउडर जैसा हो रहा है, या लीफ माइनर है, मुझे इनका आइडिया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये है क्या और इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक चीज़ और है, मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से प्रूनिंग करनी है, शक्कर को कैसे रिमूव करना है, टमाटर अगर फट रहे हैं तो क्या रीज़न है, काले पड़ रहे हैं तो क्या रीज़न है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि टमाटर जो है ना, उसकी जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, 5 से 6 महीने की लाइफ होती है। इतने में इसमें फूल आएंगे, इसमें टमाटर आएंगे, फिर टमाटर जैसे ही आप तोड़ लोगे ये प्लांट सूख जाएगा, इसको सालों साल नहीं चलना होता है। दूसरी चीज़, आप टमाटर को फरवरी में यानी कि बसंत ऋतु में उगा सकते हो बीज से, बरसात में जुलाई मिड से उगा सकते हो, या आप पतझड़ में सितंबर एंड या अक्टूबर में बीज से उगा सकते हो। गर्मियों में जो टमाटर उगाए जाते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है ना तो ये साइज बड़ा करने के पहले, साइज पकड़ने के पहले ही पकने लगते हैं, पहले ही छोटे छोटे टमाटर लाल होने लगते हैं, गलने लगते हैं। इसी वजह से गर्मियों में टमाटर महंगे होने लगते हैं और फिर मीम्स बनते हैं कि टमाटर सोने के बराबर हो गया, वगैरह वगैरह। आप अगर गर्मी में उगाना चाहते हो बिल्कुल उगा सकते हो, थोड़ा सा अर्ली आपको गार्डनिंग शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप उगाना चाहते हो तो फेब्रवरी एंड तक बीज ज़रूर लगा दीजिएगा। आज है सितंबर की 26 तारीख, आज मैं टमाटर के बीज लगाऊंगी, और बीज मैं लगाऊंगी सीडलिंग ट्रे में। सीडलिंग ट्रे में ना बीज उगाना थोड़ा सा इजी होता है, जो होल्स हैं उनको कवर करने के लिए मैं न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, किसी वीडियो में मैं इन डेप्थ बताऊंगी कि मैं न्यूज़पेपर क्यों लगाती हूँ। उसके बाद मैं ये जो सॉइल मिक्सचर है ये इसमें भर रही हूँ, इसको अच्छे से भरना बहुत ज़रूरी है। ये जो सॉइल मिक्सचर है ना, ये कैसे बनाते हैं ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैं क्या करती हूँ कि नीचे मिट्टी से भरती हूँ और ऊपर फिर कोकोपीट में बीज उगाती हूँ। तो इससे होता क्या है कि कोकोपीट में बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, और जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो जड़ों को नीचे मिट्टी मिलती है, तो इससे ये बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं। इसको अच्छे से भरने के बाद मैं इसको पानी से गीला कर रही हूँ। आप चाहें तो बीज डालने के बाद भी पानी का स्प्रे कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वाला प्रोसेस करिएगा, पहले मिट्टी अच्छे से गीली कर लीजिए।
अब इसके ऊपर मैं कोकोपीट की लेयर लगा रही हूँ। कोकोपीट मैंने पहले ही थोड़ी सी गीली कर ली थी। और अब मैं इसमें बीज डाल रही हूँ और फिर इसको इसी कोकोपीट से कवर कर दें। ये जो सीडलिंग ट्रे है ना, जिसमें मैंने बीज लगाए हैं, ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी भारी भी हो गई मिट्टी विट्टी भरने के बाद। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको मूव करने में, इधर से उधर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उठाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बीज से इसको कट किया और दोनों ही तरफ मैंने टैग लगा दिया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास मिट्टी भी है, मेरे पास बीज भी है, सीडलिंग ट्रे भी है। तो मैंने सोचा मैं दोबारा से बीज लगा देती हूँ। और मैंने बहुत सारी सीडलिंग ट्रे में बीज लगाए। जो कंपनी है ना संपदा, इसके बीज मुझे दिल्ली NCR में मिल जाते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप ट्राई करिए कि NP कंपनी के बीज मिलते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन बीज मंगवा सकते हैं। दो वेबसाइट है, उगाओ और बायोकार्व। इन दोनों की मुझे बीज पर्सनली बहुत अच्छे लगे यूज करने के बाद। इनमें भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो छोटे वाले चेरी टमाटोज होते हैं आप वो मत लीजिएगा, क्योंकि वो टमाटर छोटे होते हैं, फिर अगर खाद वाद की कमी हुई या पहली बार उगा रहे हो तो वो और छोटे हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे टमाटर मजा नहीं आएगी। आप बड़े वाले जो हाइब्रिड वाले टमाटर होते हैं ना, उनके बीज खरीदिएगा। 6 सितंबर की 30 तारीख, तो अभी सिर्फ ये दो छोटे छोटे बेबी जर्मिनेट हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। मैंने और जितनी भी सीडलिंग ट्रे में उगाया था ना, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। ये 5 अक्टूबर का रिजल्ट है। आज है 7 अक्टूबर। आज मैं इनको दे रही हूँ अनियन पील फर्टिलाइजर। जब पौधे बहुत छोटे होते हैं, अगर कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हो तो आप अनियन पील दे सकते हो। अनियन पील में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में, जो सीडलिंग स्टेज है, जो बेबी प्लांट है, उनके लिए अच्छी होती है। अगर आपने NPK, यूरिया, DAP डाली तो आपका प्लांट गया। अब मैंने इनको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर 1-1.5 घंटे की धूप आती हो। जब पौधे उगने लगते हैं, 1-2 पत्तियाँ दिखने लगे, तो आप इनको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहाँ पर हल्की फुल्की 1-1.5 घंटे की धूप आती हो। बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर इनको आपने धूप नहीं दी तो वो धूप की तलाश में ये लंबे हो जाएंगे, फिर ये छुपने लगेंगे धूप के लिए, लगी हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस स्टेज से आपको धूप पे रखना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले अगर आपने सिर्फ रोशनी में रखा था तो चलेगा, अब धूप बहुत ज़रूरी है। आज है 20 अक्टूबर। ये सारे जो सीडलिंग्स हैं ये बहुत बड़े हो चुके हैं। आप देखो, उसमें तो मैंने भर भर के टमाटर के लगाए थे पौधे। एक्चुअली होता क्या है, जब बीज उगता है तब से लेके 1 महीने तक जो पौधे हैं वो थोड़े डेलिकेट होते हैं। करीब 1 महीने बाद आप इनको शिफ्ट कर सकते हो। तो आज मैं इनको शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए सीडलिंग ट्रे के फायदे, एक साथ पूरा पूरा पौधा बाहर आ जाएगा। शिफ्ट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्पेशली टमाटर में, टमाटर की जो जड़ें हैं उनमें हवा नहीं लगनी चाहिए। कुछ इनमें छोटे छोटे पौधे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जड़ों को डिस्टर्ब ना करूं और ऐसे ही निकालूं। एक्चुअली टमाटर जो है ना, आप कितना भी कर लो, ये शिफ्टिंग के बाद ना स्ट्रेस शो करता ही करता है, पत्तियां झुकाता ही झुकाता है। और टमाटर एक ऐसा पौधा है कि अगर आपने सही से शिफ्टिंग की है तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। मैं इस तरीके से सारे पौधे धीरे धीरे निकाल रही हूँ। शिफ्टिंग करने के लिए मैंने जो पॉट्स लिए हैं ना, कुछ 4 इंच के हैं, कुछ 6 इंच के, अलग अलग साइज के पॉट्स हैं बहुत सारे। इस तरीके से आप पानी में ना 5-7 मिनट के लिए पौधों को ऐसे ही भिगो के रखो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका प्लांट रीपॉटिंग के टाइम पे, स्पेशली ये सीडलिंग्स, कभी भी खराब नहीं होंगे। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, इस तरीके से सीडलिंग फिलहाल लगा रही हूँ। जैसे बीज से उगाते हैं ना, तो बेस्ट तो यही है कि पहले सीडलिंग ट्री में उगाया जाए, उसके बाद थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाए और उसके बाद सबसे बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाए। और आप ये देखो कि ये जो बीज है ना, इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, सब उगे। मैं सारे इस तरीके से शिफ्ट करती जा रही हूँ। शिफ्टिंग के बाद पानी देना बहुत जरूरी है, और ये शिफ्टिंग आपको सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में करनी है। ये जो पानी था ना जिसमें हमने डुबो रखा था, वही पानी मैं इसमें दे रही हूँ। देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है, नेक्स्ट डे तक कितने प्लांट बचते हैं।
अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ये सब मस्त है, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी झुका नहीं, किसी ने भी स्ट्रेस नहीं शो किया है फिलहाल, तो अभी तक हमारा सब कुछ बढ़िया जा रहा है। लेट्स सी कि अब ये कितने दिनों में कितने बड़े होते हैं, कैसे मैं इनको बड़ा करती हूँ और कितने दिन में टमाटर आते हैं। आज है नवंबर की 3 तारीख, शिफ्टिंग के बाद करीब 15 दिन हो रहे हैं और आज मैं इनको देने जा रही हूँ मूंगफली की खल की खाल। आज आप देखिए प्लांट की क्या कंडीशन है, बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत ही छोटी सीडलिंग नहीं है, छोटे वाले में तो अनियन पीन दिया था। पूरी प्रिकॉशंस के साथ ही दीजिएगा, ऊपर लिंक आ रही है, देखने के बाद दीजिए, आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आज है नवंबर की 7 तारीख, खाद देने के बाद करीब 4 दिन हो चुके हैं और आप देखिए ना क्या स्पीड पकड़ी है प्लांट, मतलब बढ़ा ही जा रहा है। कुछ लोगों के पौधे ना बढ़ते नहीं है, अगर आप ये खाद दोगे ना तो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ेगा ये प्लांट। आज है नवंबर की 12 तारीख, टमाटर काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं, धूप भी ठीक ठाक मिल रही है, तो अब इनकी पिंजिंग शुरू कर देते हैं इस तरीके से, नोट के ऊपर से कट लगा दे। क्या होगा ना कि इससे जो टमाटर के पौधे हैं उसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी और ये घना हो जाएगा। ये जो पिंचिंग है ना ये करनी बहुत जरूरी है, ये पूरा पूरा गेम पलट देती है, इसकी वजह से ही इतने सारे टमाटर आएंगे आपके पौधे में। ये आपको हर 8 से 10 दिन में करना है, एक बार कटिंग करें, जब ये और बढ़ जाए तो फिर वो जो उसकी जो 2 नई टिप बनी है उनमें कर दे, तब तक करते रहें जब तक आपका प्लांट फूलों से ना लद जाए और आपको जब तक छोटे छोटे टमाटर दिखने शुरू ना हो जाए तब तक आपको ये पिंचिंग करनी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि टमाटर के पौधे को कितनी धूप चाहिए। अगर आपकी बैल्कनी में 3 घंटे की धूप आ रही है तो क्या टमाटर आएंगे? टमाटर एक ऐसा पौधा है ना, जब तक बीज है सीडलिंग है इट्स ओके, लेकिन जब वो बढ़ना शुरू होता है तो उसको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। आपकी बैल्कनी छोटी है चलेगा, लेकिन उसमें 5 से 6 घंटे की धूप आनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा ग्रो बैग हमें चाहिए। हमें चाहिए 12x12 इंच का ग्रो बैग, ये इनके लिए परफेक्ट होते हैं, इससे छोटा भी नहीं चलेगा और इससे बड़े की भी जरूरत नहीं है। ग्रो बैग की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप चाहे तो ले सकते। छोटी सी जगह में 12x12 इंच का ग्रो बैग आराम से आ जाता है। आज है नवंबर की 22 तारीख, ये देखिए कितने बड़े हो चुके हैं, ये जो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे मैंने उनको पहले ही निकाल के शिफ्ट कर दिया था। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं फाइनली इनको कैसी मिट्टी में और कैसे शिफ्ट कर रही हूँ। इसकी जो मिट्टी मैं बनाने जा रही हूँ, यही मिट्टी मैंने सीडलिंग ट्रे में इस्तेमाल की थी, यही मिट्टी में मैंने जो काले वाले छोटे वाले पॉट्स है उनमें रखी थी और इसी मिट्टी में मैं फाइनली टमाटर को उगाऊंगी। आपके यहाँ पर जो भी मिट्टी है आप ले लीजिए, जितनी मिट्टी ली है ना उसका 1/4 मैंने बालू ली है, रिवर्स सैंड। इससे क्या होता है कि मिट्टी ना टाइट नहीं होती है, भुरभुरी रहती है, सफोकेशन नहीं होती है जड़ों को, जड़ें खराब नहीं होती है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कॉम्पोस्ट, मेरे पास लीफ कॉम्पोस्ट था जो मैंने घर पे बनाया था। जितनी मिट्टी है उसका आधा हम कॉम्पोस्ट लेंगे, आप कोई भी कॉम्पोस्ट ले लीजिए। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ कोकोपीट, जितना हमने सैंड लिया था 1/4 उतना ही मैंने कोकोपीट भी लिया। इससे क्या होता है ना कि मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चर बहुत जल्दी नहीं उड़ती है। गर्मी में अगर आप उगा रहे हो तो आप 1/4 से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नीम खल। नीम की खल में एक तो वैसे भी पावर होता है, न्यूट्रिशन होते हैं और थोड़ा ये कीड़े मकोड़े जड़ों में नहीं लगने देती है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है। शिफ्टिंग करने के ना 2 तरीके हैं। पहला, आपने पूरे ग्रो बैग में मिट्टी भर ली, अच्छे से मिट्टी को अच्छे से गीला कर लिया। गीला करने से क्या होता है कि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती है, जितनी बैठनी है बैठ गई, मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन हो गया। उसके बाद आप प्लांट लगाओगे उसमें। और जब आप प्लांट लगाओगे तो आपको ज्यादा पानी नहीं देना है, सिर्फ उतना पानी देना है जितना उस प्लांट की रूट्स तक पहुंच जाए। दूसरा तरीका है, आपने जो मिट्टी भरी है उसमें ऐसे ही प्लांट को आप शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने के बाद फिर आपको खूब सारा पानी डालना है, जड़ों को तो मिले ही, साथ में नीचे तक की मिट्टी भी अच्छे से भीग जाए। दोनों ही तरीके ठीक है,
12 बाई 12 इंच के जो ग्रो बैग है ना, उनमें एक में एक ही लगाना। नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं ना, उन्हें जरूर हटा दें, क्योंकि वो अगर मिट्टी में टच होंगी या उनमें मॉइस्चर आएगा तो यहीं से कीड़े पनपना शुरू हो जाएंगे। आप इसी समय पे इसको सपोर्ट दे देंगे ना, तो प्लांट ना इस सपोर्ट के साथ साथ बढ़ता है, तो जड़ें अच्छे से पकड़ लेती हैं सपोर्ट को। और ऐसा भी नहीं है कि तरोई की तरह या करेले की तरह ऊपर ऊपर फैलेंगी, इतना भी कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे ना, तो ये तिरछा हो जाएगा और जड़ के साथ बाहर आ जाएगा। देखो, मैंने बोला था ना कि टमाटर का पौधा ना बड़ी जल्दी स्ट्रेस में आता है, और देखिएगा ये उतनी ही जल्दी रिकवर भी होगा। एक एक करके सारे पौधे मैंने टमाटर के लगा दिए हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये वाला हमारा हल्का सा स्ट्रेस में था और ये भी हमारा ठीक हो चुका। अब यहाँ से हमारा मोटिव ये है कि हमारा जो प्लांट है उसको हम खूब घना करें, खूब मजबूत करें। यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसको पानी कैसे देना है। इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। कोई कहता टमाटर को पानी कम दे, कोई कहता टमाटर को पानी अच्छे से दे। जब तक आपको टमाटर के पौधे में छोटे छोटे टमाटर ना दिख जाए, आप इसको वैसे ही पानी दोगे जैसे नॉर्मल प्लांट्स को हम देते हैं। जब ऊपर की मिट्टी सूखी है तभी पानी दें। अगर ऊपर की मिट्टी गीली है आप पानी देंगे तो ये प्लांट फंगस के अटैक से खराब हो जाएगा। इस प्लांट में बहुत ज्यादा कीड़े लगने लगेंगे, इसमें फूल खिलने के बाद गिर जाएंगे लेकिन टमाटर नहीं बनेंगे। लेकिन जब इसमें आपको टमाटर दिखने शुरू हो जाए, आपको इसकी मिट्टी सूखने नहीं देनी है। हल्का सा मॉइस्चर है, आप पानी दे दीजिए। अगर आपने यहाँ पर पानी की कमी कर दी, टमाटर बढ़िया से उग रहे हैं, खाद वाद सब, धूप उप सब बढ़िया है, लेकिन पानी की कमी कर दी ना, तो टमाटर काले पड़ जाएंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। ऊपर की मिट्टी चेक करें, हल्का सा मॉइस्चर है, पानी दे। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन मिट्टी सूखने भी नहीं देनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पानी देते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो नीचे वीड्स है ना, इनको बिल्कुल हटाते जाएं। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल है। क्या होता है ना कि ये इतना न्यूट्रिशन खींचते हैं, खुद तो इतने बड़े हो जाएंगे रातों रात, और टमाटर की जो ग्रोथ है वो रोक देते हैं। तो इसको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज है नवंबर की 30 तारीख। सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे सामने इसमें दिख रही है छोटी छोटी कलियां, इनको सबसे पहले हटा दें। अब आप सोचोगे कि मैं कलियां क्यों हटा रही हूँ, नॉर्मल जो मैंने कहा था कि हमें पिंचिंग करनी है, कटिंग करनी है, वो तो चल ही रही है, लेकिन मैं ये कलियां क्यों हटा रही हूँ, इसके पीछे ना मेन दो कारण है। जो फूल होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनमें इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो सब्जी बन जाए, और अगर वो बन भी गए तो वो उतना साइज नहीं पकड़ पाते हैं और प्रॉब्लम ज्यादा होती है। दूसरा फूलों को हटाने का कारण ये है कि अगर ये कलियां खिल गई, फूल बन गए, और अगर ये टमाटर बन गए, तो इस टमाटर के पौधे की लाइफ यहीं पर खत्म हो जाएगी, लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। हमें एक पौधे से कोई 3-4 टमाटर थोड़ी ना लेने, हमें तो एक पौधे से कम 2-2 किलो टमाटर लेने हैं, वो भी बड़े बड़े। आज है दिसंबर की 10 तारीख, पिंचिंग अभी भी जारी है, अभी भी मैं इसमें कटिंग करती रहती हूँ, ये सब काफी हेल्दी हो गए हैं। आज है दिसंबर की 13 तारीख, आज मैं अपने टमाटर के पौधे में दूंगी लिक्विड फर्टिलाइजर, और वो मैं दे रही हूँ जो हमारा किचन कंपोस्ट बनता है, उसमें जो नीचे से टी निकल के आती है ना, मैंने कंपोस्ट की वीडियो में बताया था, आज मैं वो दे रही हूँ। टमाटर में फर्टिलाइजर कैसे देना है, कौन सा देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोग बोलते हैं जब तक हम केमिकल नहीं डालेंगे, हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम एनपीके नहीं डालेंगे, डीएपी नहीं डालेंगे, टमाटर बड़े होंगे नहीं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप पूरी तरीके से ऑर्गेनिकली टमाटर उगा सकते हो, बड़े बड़े साइजेस में ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब तक आपको इसमें छोटे छोटे टमाटर ना दिखे, आपको इसमें हर 20 दिन में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। आप ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की खल की खाद दे सकते हैं, सरसों की खल की खाद, नीम के का लिक्विड फर्टिलाइजर, काउडंग कंपोस्ट टी, वर्मी कंपोस्ट टी, किचन कंपोस्ट टी, आप ये सब दे सकते हैं। अगर आप बसंत के आसपास फरवरी में बीज डालते हैं, करीब 2 महीने में इतनी भी गर्मी नहीं हो जाएगी, तब तक भी आप ग्राउंडनट या मस्टर्ड केक दे सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो आपको मूंगफली की खल की खाद और मस्टर्ड केक नहीं देना। आप बरसात में दे सकते हो और आप ठंड में भी ग्राउंडनट और मस्टर्ड केक दे सकते हो।
जब आपको इसमें फूल दिखने लगे और इसमें छोटे छोटे टमाटर बन रहे हैं, यहाँ से आपको इसमें और फर्टिलाइजर्स देने शुरू करने हैं, जिसमें मेनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। जैसे ही आपको छोटे छोटे टमाटर दिखे, आपको इसमें सीवीड का स्प्रे करना है। दूसरी चीज, आप जो फर्टिलाइजर दे रहे थे ना 20-20 दिन में, अब आपको 20-20 दिन में नहीं देना है, अब आपको इसको 15-15 दिनों में देना है। और अब आपको फर्टिलाइजर्स बढ़ा देने हैं, कौन से? सीवीड लिक्विड, अनियन पील, बनाना पील बढ़ा देना है। जैसे सपोज करिए कि आपने 1 तारीख को दिया था मूंगफली की खल की खाद, 15 को आप दे दोगे सीवीड फर्टिलाइजर, 30 को आप दे दोगे काउडंग कंपोस्टी, फिर आप 14 तारीख को या 15 तारीख को दे दोगे अनियन पील। तो इस तरीके से आपको चेंज कर करके हर 15-15 दिन में फर्टिलाइजर देना है। ये देखिए क्या छोटे छोटे टमाटर उग रहे हैं, इस समय से इसमें न्यूट्रिशन की कमी आ सकती है, इसलिए आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देनी है, यहीं से आपको अपने पौधे को न्यूट्रिएंट की डोज बढ़ा देनी है। आज है दिसंबर की 22 तारीख। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो प्लांट है ना, ये इतना घना हो चुका है कि इसमें नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। इसी जगह ये देखिए, इसमें मैंने नीचे बिल्कुल सफाई रखी है, ना तो वीड्स है और ना नीचे छोटी छोटी इसकी पत्तियां या ब्रांचेस है। आपको ऐसे ही रखना है, जो नीचे का पोर्शन है ना, ये बिल्कुल साफ रखना है, ये बहुत जरूरी है। ये जो पत्तियां है ना, इनका कोई ऐसा रोल नहीं है। टमाटर का पौधा ना एकदम दूर से दिखना चाहिए, मिट्टी की ये कंडीशन है, दूर से दिखना चाहिए कि मिट्टी गीली है, सूखी है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है। ये देखिए पूरा पौधा फूलों से लद गया है, कितना छोटा सा था और आज कितना बड़ा हो गया है, कितना घना हो गया है, बैक टू बैक फ्लावरिंग। ये जितने भी फूल है ना, एक एक फूल टमाटर बनेंगे। और ना ये जो अगल बगल जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो रही हैं, थोड़ी सी पीली हो रही है, थोड़ी सी खराब हो रही है, हटाते जाएं। प्लांट को ना हेल्दी अच्छा रखें। इस स्टेज पे जब आपको टमाटर दिखने लगे तो आपको एक और कटिंग करनी है, वो है आपको शक्कर को रिमूव करना। ये देखिए 2 ब्रांचेस हैं, इनके बीच में एक छोटी सी ग्रोथ निकल आई है, यहाँ पर कलियाँ भी आ जाएंगी और यहाँ पर टमाटर भी आने लगेंगे। इनको हटा दिया जाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से प्लांट आपका खराब हो जाएगा या कोई बीमारी लग जाएगी, लेकिन होता क्या है कि ये अननेसेसरी एनर्जी अपने ऊपर लेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे जो टमाटर के पौधे हैं सब्जी नहीं बन रही है, क्या करें? सबसे पहली चीज, जो स्टार्टिंग के फूल हैं उन्हें कट कर दें, उनके टमाटर बनने के चांसेस ना के बराबर हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी चीज, हो सकता है कि आप उसको सफिशियंट धूप, डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से भी टमाटर नहीं बनते। तीसरी चीज ये भी हो सकती है, जिस मिट्टी में आपने टमाटर को लगाया है वो उतनी हेल्दी नहीं है। एक कारण और है जिसकी वजह से टमाटर नहीं आ रहे हैं, और वो है कीड़े। कीड़े लग चुके हैं आपके प्लांट में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। एक और चीज है कि इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ होगा। ये सुन के लगता है कि भाई ये क्या चीज है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। अगर आपके यहाँ पर ठीक ठाक हवा चलती है, चिड़िया विड़िया आती रहती हैं, तितली है, भवरा है, मक्खी है, मधुमक्खी, अगर ये सब थोड़ी बहुत भी आपके गार्डन में आ रही हैं, तो टमाटर में पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर छोटे से पॉट में आप लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा टमाटर भी नहीं मिलेंगे और टमाटर का साइज भी छोटा मिलेगा, और हो सकता है कि टमाटर मिले भी ना, तो ग्रो बैग 12x12 का है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज है 25 दिसंबर, देखिए कि टमाटर का साइज क्या मस्त हो गया है, कितने बड़े हो गए हैं ये। थोड़े छोटे थे वो थोड़े से बड़े हो गए, तो थोड़े से बड़े थे वो और बड़े हो गए, मतलब आप ग्रोथ देखिए। टमाटर सही है, लेकिन कुछ कुछ टमाटर में प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सब फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो वो थी कि फूल बनाई नहीं टमाटर, वो मैंने बता दिया। जो मैंने इतने सालों में फेस की है वो सारी विद सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप टमाटर उगाओ ये सारी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैं आपको सारी बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए अभी के अभी और शेयर करिए अभी के अभी, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो में। और आप मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वेजिटेबल वाला कौन सा वीडियो चाहिए आपको? आपको मिर्ची चाहिए, बैगन चाहिए, लौकी चाहिए कि करेला चाहिए?
लेकिन पहले लाइक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइक कमेंट और शेयर, तीनों चीज़ें करनी है। सब्सक्राइब के लिए हम बाद में बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको टमाटर के पौधे में देखने को मिलेगी वो है लीफ माइनर, वेरी बिग प्रॉब्लम। कीड़े होते हैं पत्तों के अंदर ना, ऐसे वाइट वाइट लाइन दिखती है, और फैक्ट ये है कि ये धीरे धीरे करके आपके पूरे प्लांट को खराब कर देंगे। और मेरा जैसा एक्सपीरियंस है सारे प्लांट्स में, ये शुरुआत में जब तक प्लांट में हल्की हल्की फ्लावरिंग शुरू हो रही होती है, जब प्लांट सीडलिंग की स्टेज पे होता है, तब इनका अटैक होता है। अगर उसी समय आप ट्रीटमेंट कर दें तो फिर इसका अटैक आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा, फिर हो सकता है कभी एक दो पत्तियों में दिख जाए, बट वैसे अटैक ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लांट पे रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसको फैलने नहीं देना है, आपको जहां भी दिखे कट करो। आप कट करने के बाद नीम ऑयल वाटर सॉल्युबल लेना है, उसमें लहसुन का पानी मिलाना है, दो तीन दिन लगातार ये ट्रीटमेंट करना है। शाम को नीम ऑयल और लहसुन का पानी मिला के पूरे प्लांट में दे दें, मॉर्निंग में धो दें, आपको काफी कम दिखेंगे लीफ माइनर। शाम को फिर से वही, वो जो लिक्विड है ना वो थोड़ा बना के रख ले 3-4 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन का पानी इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। बस 3-4 दिन ये करें, आपका प्लांट सही हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है ब्लैक फ्लाइज की। टमाटर में ना आप ध्यान से देखना, छोटे छोटे रोए होते हैं, ब्लैक कलर के उड़ने वाले कीड़े से होते हैं, वो इनमें फंस जाते हैं। नीम ऑयल में लहसुन नहीं डालना है, सिंपल नीम ऑयल लेना है, उसका स्प्रे कर देना है। नीम ऑयल पे कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे है, ऊपर लिंक आ रही है, आप देख सकते। नाउ एक प्रॉब्लम और आती है टमाटर के पौधे में, और वो है लीफ कर्ल। ये जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है ना, इसको अगर आप शुरुआत में ही रोक दो तो अच्छा है, अगर आप शुरुआत में नहीं रोकोगे तो ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक तरीके से इसको पकड़ना, इस पे रोक लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। केमिकल इंसेक्टिसाइड से हो जाता है बट ऑर्गेनिकली नहीं होता है। कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी लीफ कर्ल होती है। पहले तो चेक करना है कि आप फर्टिलाइजर सही से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से दो। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी आपको अफेक्टेड पार्ट दिख रहा है उसको अच्छे से कट कर दो, एक भी लीफ कर्ल मत छोड़ो, ये डिजीज होती है। और जो छाछ होती है ना, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, एक ग्लास ले लें या एक बॉटल ले लें, 1/4 बटर मिल्क को लें और बाकी पूरे में साफ पानी लें, उससे प्लांट को अच्छे से स्प्रे करें और जो ये लिक्विड बचा है इसको मिट्टी में दे दें। एक बार करें, 2 दिन छोड़ के फिर करें, 2 दिन छोड़ के फिर करें, 2-3 बार करें, आपका प्लांट रिकवर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम आती है, जब टमाटर बड़े हो रहे होते हैं तो ये बीच से फटने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको चेक करना है कि कहीं आप पानी की कमी तो नहीं कर रहे, कहीं आप गैप तो नहीं कर रहे, मतलब अचानक से पानी दे दिया फिर 2-4 दिन आप भूल गए फिर अचानक से पानी दे दिया, मतलब गैप नहीं कर रहे, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो सही है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पहले जो टमाटर स्प्लिट हो चुके हैं, फट चुके हैं, उनको हटा दें। और आपको क्या करना है, जो कच्चा दूध होता है चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, 1 बॉटल में इसको लें, 1/4, बाकी पूरी साफ पानी से भर लें, इसका स्प्रे करें प्लांट के ऊपर, टमाटर पे करें, पत्तियों पे करें, फूलों पे करें, सब पे करें, और जो बच गया है ये वो मिट्टी में डाल दें। ये आपको एक बार करना है और 3 दिन बाद दोबारा करना है, बस 2 बार करना है, और बाकी जो आप फर्टिलाइजर दे रहे थे आप वैसे ही देंगे। एक और प्रॉब्लम आती है, जब टमाटर जो है ना ऐसे काले से हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। मेरे प्लांट्स में हुई, तब मुझे पता चला कि ये सब में नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्लांट में हो रही है, तो ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। इस स्टेज पे आपको अगेन ध्यान रखना है पानी का, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से भी होती है, तो इसके लिए मैं हमेशा ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो है इसका स्प्रे करती हूँ प्लांट। और मिट्टी में दे दिया, ये आप एक बार देंगे और 10 दिन के बाद दोबारा देंगे। नहीं है ये तो सीवीट भी दे सकते हैं, लेकिन सीवीट तो आप ऑलरेडी दे रहे थे, मिट्टी में भी दे रहे थे, स्प्रे भी कर रहे थे, लेकिन इससे क्या होता है ना कि जो प्लांट अफेक्टेड है वो ठीक हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। अगर आपको इस तरीके से कीड़े दिख रहे हैं टमाटर, है ना, ये जो कीड़े होते हैं ना ये फूल गोभी में भी होते हैं, इसके लिए नीम ऑयल जिंदाबाद,
एक और प्रॉब्लम है जो होती है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि टमाटर है कच्चे हैं, ये पक नहीं रहे, क्या करें? तो इसके लिए आपको देना होगा मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, जब गर्मी होती है तो ये ऐसे ही पक जाते हैं, तो इसको पकने के लिए गर्मी चाहिए होती है, आप दीजिए मस्टर्ड केक। आज है दिसंबर की 31 तारीख, 31 दिसंबर है आज, अभी चाहूँ तो मैं इनको तोड़ के चटनी बना सकती हूँ। आज है जनवरी की 15 तारीख, टमाटर हल्के से पीले हो रहे हैं, कितनी खुशी होती है जब बीज से उगाई जाए सब्जी और फिर वो बड़ी होती है, हम मेहनत करते हैं, हम पानी देते हैं, हम पूरी केयर करते हैं बच्चों की तरह, और फिर जब वो सब्जी हमें मिलती है हम उसका यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर भर के टमाटर होते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, हर बार होते हैं, भर भर के होते हैं, मैं इनको तोड़ती जाती हूँ, लोगों को बांटती जाती हूँ। तो टमाटर का यही होता है, 5-6 महीने की जर्नी होती है, ठीक ठाक केयर करिए, खाद देते रहिए, पिंचिंग करते रहिए, कीड़ों से बचाते रहिए, मिट्टी अच्छे से बनाइए, आपको बहुत अच्छे से टमाटर। तो ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको अच्छी लगी है, आपको कॉन्फिडेंस आया है कि आपको भी टमाटर उगाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो, कमेंट तो कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ये डेटा जो मैं देखती हूँ ना, तो बड़ा वो लगता है कि आप शायद, मैं उतना आप लोगों से बोलती नहीं होगी, आप सब्सक्राइब करें। टमाटर उगाते समय अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी फेस हुई है जो मैंने नहीं बताई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।